और बाबा ने देखो हम बच्चों को ये पता कराया है कि हम जो ब्राह्मण हैं, हम सर्व के पूर्वज, पूर्वजों का काम क्या हो? पूर्वजों का काम यही होता है कि हमारी जो बिरादरी है वो सदा सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे। तो इसीलिए जिनको ये याद रहता है कि हम पूर्वज हैं, अरे हम इतना आनंद ले रहे हैं बाबा से, हम इतनी प्राप्तियां कर रहे हैं बाबा से, तो फिर हमारा काम है औरों को भी क्या कराना, वो प्राप्तियां कराना हमारा काम है। वो सेवा करने के बिगर नहीं रह सकते, वो औरों को सुखी बनाने के बिगर नहीं रह सकेंगे, वो जरूर औरों को भी सुखी बनाएंगे। तो इसीलिए सदैव ये याद रखो कि बाबा के समीप आना माना सर्व विश्व की आत्माओं के समीप आना, बाबा का प्रिय बनना अर्थात सर्व का प्रिय बनना। जो बाप का प्रिय बनना है उसको तो सभी प्यार करेंगे, परंतु हमारे को किसी भी पर्टिकुलर किसी देहधारी का प्रिय नहीं बनना है, परंतु एक ही बाबा का प्रिय बनना है और एक ही बाबा ही मेरा संसार है। इस पाठ को पक्का करते हुए अपने को चेक करना है कि सचमुच बाबा ही मेरा संसार है या मेरे संसार में और भी कोई आता है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ऐसा थोड़ी कहते हैं मेरा तो एक बाबा और भी कोई कोई, ऐसा कहते हैं क्या? और कोई नहीं, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई। तो ये सिर्फ गायन मात्र है या प्रैक्टिकल में है? तो जब इन बातों को हम चेक करते हैं, अपने को देखते हैं, देखो बाबा ने आईना दिया, तुम अपने को देखो, तो बाबा के द्वारा तुम्हें सर्व प्राप्तियाँ होगी, बाबा के द्वारा तुम्हें सर्व शक्तियाँ मिलेगी और तुम वर्षे के फुल अधिकारी बन सकेगी।